इस जमाने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में, और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर मतलब परफेक्ट भागवत रीडिंग के बुक से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे जो आज क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। ठीक है, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर पिछली वीडियो देखिए, और वहां से बनाते आइए इंड तक, पूरा समझ में आएगा और यह चैप्टर भी आसान है। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्लस का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ गुना है। ठीक है, इधर हम अर्थ लिखते हैं कि किसका अर्थ क्या होता है। प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जो होता है भाग दिया है। ठीक है, माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ माइनस, और गुना का अर्थ माइनस। ठीक है, तो इधर क्या बचा, भाग बचा और इधर जोड़ बचा। इसका मतलब भाग का अर्थ प्लस होगा, और क्वेश्चन में दिया भी होगा, क्वेश्चन में दिया है कि प्लस का अर्थ भाग का अर्थ जोड़ हो। तो आपसे पूछ लिया गया है 5 + 8 - 4 -4 × 2 = 9 का मान पूछ लिया गया है, तो अंक तो वही रहेगा, अंक तो वही रहेगा। 5 है तो 5, 8 है तो 8, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 9 है तो 9। बस यहाँ प्लस माइनस गुना भाग का खेला है। तो देखिए, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो बस यहाँ गुना दीजिए। यहाँ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग दीजिए। फिर यहाँ देखिए क्या है, गुना है, तो गुना का अर्थ माइनस, तो माइनस। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस दीजिए। बस सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास के नियम से, 5 × 8 - 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 2, 4 × 8, फिर माइनस यहाँ 2 + 9, 5 × 10 यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 + 19 प्लस में, और 19 में से 2 चल जाएगा तो 17 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, भाग का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ प्लस हो, इधर अर्थ लिखते हैं। ठीक है, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है माइनस, और गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ प्लस लिख दिए, भाग का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ गुना, और प्लस का अर्थ है गुना। ठीक है, ये ऊपर में दिया था, हम नीचे से लिख दिए, कोई बात नहीं है, ये ऊपर लिखा था। ठीक है, तो पूछ दिया है आपसे, पूछ दिया है 4 / 8 - 2 × 2 + 4 का मान आपसे पूछ लिया गया है, तो अंक तो भाई साहब वही रहेगा, बस प्लस माइनस। देखिए, भाग का क्या है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस दीजिए। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग दीजिए। गुना, गुना का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4, यहाँ देखिए प्लस, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब माइनस, 4 × 2 = 8, देखिए 4 × 4 = 8, 8 हो गया प्लस में, और 8 माइनस में 0 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर 0 हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, अर्थ को नहीं मिटाते हैं बार बार। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, भाग का अर्थ हो प्लस, भाग का अर्थ हो प्लस। ठीक है, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना, और प्लस का अर्थ है भाग, और प्लस का अर्थ है भाग,
प्लस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस हो तो आपसे पूछ लिया गया है 20 भागे 12 गुने 4 प्लस 8 माइनस 6, तो भाई साहब अंक तो वही रहेगा, अंक नहीं चेंज होगा, प्लस माइनस बस। भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस तो प्लस दीजिए, गुना, गुना का अर्थ क्या है माइनस तो माइनस, प्लस प्लस का अर्थ क्या है भाग तो भाग, माइनस माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना दीजिए। अब देखिए 20 और 12 होता है कितना 32, माइनस 4 आई भाग में गुना में उलटेगा तो या बट्टा में उलट जाएगा, गुना में जाता है तो पलट जो अंक संख्या जो है उलट जाता है अंक, 8/1 है तो 1/8 हो जाएगा गुना में, ठीक है, और गुना यहाँ 6 है, ठीक है, तो 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 6। अब देखिए इधर 32 इधर सॉल्व किए तो 3 × 1 = 3 आया है, तो 32 में से 3 चल जाएगा तो 29 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। प्लस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ भाग हो, ठीक है, भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ गुना हो, और गुना का अर्थ प्लस हो, और गुना का अर्थ प्लस हो, तो आपसे पूछ लिया गया है 8 + 4 = 3 × 5 − 9 का मान बताइए। देखिए अंक तो वही रहेगा, अंक कभी चेंज नहीं कीजिएगा, बस प्लस माइनस गुना भाग। तो प्लस का अर्थ क्या है भागा, तो भागा दीजिए, भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए, गुना का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना दीजिए। बस यहाँ देखिए 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, माइनस 3 इधर देखिए प्लस, आ 5 × 9 = 45, तो 45 × 2 होता है 47, 45 × 2 = 47, 47 में से ये बोला 3 चल जाएगा तो 44 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर, प्लस, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ गुना हो, प्लस का अर्थ गुना हो, और माइनस का अर्थ भाग हो, और माइनस का अर्थ भाग हो, ठीक है, माइनस का अर्थ भाग और भाग, गुना का अर्थ माइनस हो और गुना का अर्थ माइनस हो, ये वो क्या बच गया प्लस माइनस गुना, तो भाग, और इधर क्या बच गया प्लस बच गया, यानी भाग का अर्थ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है 6 × 36 − 4 × 3 + 4 का मान बतलाइए, तो 6 भाग के अर्थ 6 अंक वही रहेगा, अंक वही रहेगा, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 36 है भाई साहब, यहाँ 36 है, ठीक है 36, तो भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो भाग, गुना का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस दीजिए, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ 4 है, माइनस, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना दीजिए। अब देखिए 6 + 36 में 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 9, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा 12, अब देखिए 9 × 6 = 15 − 12 = 3 बराबर 3, 15 में से 12 चलेगा तो 3 बचेगा, आपका आंसर 3 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, और माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, क्या बच गया यहाँ गुना बच गया, इधर माइनस बच गया, यही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है, 20 × 40 − 4 × 5 + 6 का मान पूछ लिया गया है, तो अंक तो वही रहेगा, अंक वही रहेगा, भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो भाग दीजिए, गुना, गुना का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए, प्लस का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ गुना दीजिए। अब देखिए यहाँ 20 + 40 में 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 10, 10 × 40 होता है, माइनस 6 × 5 = 30, 20 + 10 = 30, प्लस में या माइनस में 30, घट के हो गया 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ है गुना,
गुना का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ है भाग का चिन्ह, ठीक है। तो ये वो क्या बच गया, इधर भाग बच गया और इधर प्लस माइनस बच गया, तो ही माइनस होगा। तो आपसे पूछ लिया गया है 40 गुने 12 भागे 3 माइनस 6 भागे 60, यहाँ भाग नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो देखिए अंक तो वही रहेगा, अंक वही रहेगा, गुना, गुना का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस भाग, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भागा, तो भाग दीजिए, माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना दी लिखिए, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लिखिए। बस यहाँ देखिए 40 प्लस 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 4 और गुना 6 माइनस 60। अब देखिए यहाँ 40 तो होगा 40 प्लस 6 चौका 24 माइनस 60, 40 से 24 कितना होता है 64 माइनस 60 आएगा 4, आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना 27 नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग, गुना का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ भाग, तो एको क्या बचा, इधर इधर बचा क्या भाग बचा और इधर क्या बचा प्लस बचा, यही होगा, ठीक है। आगे पढ़ने से कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है, तीन को तो पता चलिए गया, तो चौथा अपने आप पता चल जाएगा। तो आपसे पूछ लिया गया है 15 गुने 5 भागे 10 प्लस 5 माइनस 3 का मान पूछ लिया गया है, तो अंक भाई साहब वही रहता है, अंक में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाग, तो भाग दीजिए, भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए, माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना दीजिए। अब देखिए 15 में 5 से भाग दीजिए दीजिएगा तो आएगा 3, प्लस 10 माइनस 5 त्याई 15, तो 10 3 13 हो जाएगा, माइनस 15 आपका आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आते हैं अगली 29 नंबर क्वेश्चन पे, आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ भाग हो, ठीक है, और गुना का अर्थ माइनस, और गुना का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुना और भाग का अर्थ है गुना, तो एगो क्या बचा जरा देखना लीजिए आप ही, इधर माइनस बचा इधर क्या प्लस हुआ, तो बस अपना से डाल दीजिए। तो पूछ लिया गया है आपसे कि 6 प्लस 4 गुने, आपसे पूछ लिया गया है 8 प्लस 6 गुने 4 भागे 3 माइनस 4 का मान पूछ लिया गया है, तो अंक तो वही रहेगा भाई जी, प्लस का अर्थ क्या है भागा, तो भागा दीजिए, गुना का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस, भाग का अर्थ क्या है गुना, तो गुना, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस। अब देखिए ये 8 गुना में उसको उलटिएगा ना, तो इसको 1/6 हो जाएगा, इसको गुना में जाएगा तो भाग में है, उसको उलट दीजिएगा तो गुना में हो जाता है, ठीक है। माइनस 4 4 त्याई हो जाएगा 12 प्लस 4 काटिएगा तो 2 से 3 बार में, काटिएगा 2 से 4 बार में, तो यहाँ 4 एक कम, अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 4 एक कम 4 बट्टा में 3 माइनस, यहाँ देखिए 12 में से 12 माइनस में 4 प्लस में, तो 12 में से 4 चल गया तो 8 बचा। अब इसका भीम के घटाव कर लीजिए, 8 तरीका 24, 24 में से 4 चल जाएगा, 24 में से 4 चल जाएगा तो 20 बचेगा बट्टा 3, लेकिन माइनस में बचेगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भीम के घटाव किए हैं यहाँ पे, तो माइनस 20/3 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस 20/3 ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स का अर्थ प्लस हो, एक्स ई एक्स है, ठीक है, छोटका एक्स लिखते थे, एक्स का अर्थ जो है ना प्लस हो, वाई का अर्थ माइनस, वाई का अर्थ माइनस, वाई का अर्थ माइनस, जेड का अर्थ भाग, जेड का अर्थ भाग, जेड का अर्थ भाग और पी का अर्थ गुना, और पी का अर्थ गुना हो, तो आपसे पूछ लिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है
टेन पी टू एक्स फाइव वाई फाइव, ठीक है, एक्स है, दो है, एक्स लिख दिए, अंक वही रहेगा, दस दो पाँच पाँच, अंक वही रहेगा, अंक में चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए पी, पी का मतलब क्या है, गुना, तो यहाँ गुना दीजिए, एक्स, एक्स का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, वाई, वाई का मतलब क्या है, वाई का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। अब जेड ना खोजिए कि जेड किधर है, जेड भाई नहीं दिया है तो कहाँ से लगा दें, बस इतना ही पसल हो जाएगा, दस दुना बीस हो जाएगा, अब आई पाँच प्लस में पाँच माइनस में हो गया जीरो, बीस बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर चार में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके, डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।